चलो तो बहुत दिनों बाद हमें यहाँ पे हायर रैंक ओपोनेंट देखने को मिला है जो कि क्राउन वन का प्लेयर है और रियली में यार ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। तो वैसे इसकी बॉलिंग की बात करें ना तो बहुत ही खूब और कमाल की बॉलिंग करी थी हमने। यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और देखो यहाँ पे होता क्या है। पहला बॉल मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ आज है ना नया ट्राई करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भाई पहले स्ट्रोक से शुरुआत करना चाहता था। तो भाई ने ऐसी बॉलिंग करी कि मैं स्ट्रोक तक ठीक से नहीं खेल पाया। तो थर्ड बॉल पे मैंने सोचा कि अटैक करना ज़रूरी होगा, बट 308 खेला और ये किस्मत ख़राब सीधी ही फील्डर के हाथ में और कैच आउट हो गए हम। तो तीन गेंदे हो चुकी थी, अब तक अपना खाता तक नहीं खुला था और अपनी विकेट भी चली गई। और भाई इस ओपोनेंट ने जो हमें प्रेशर में डाला है उसकी बात ही अलग है। यहाँ पे मैंने सोचा कैरम होगा बट दूसरा निकला तो नहीं खेल पाया। उसके बाद ही पाँचवें गेंद पे भी एक विकेट चली गई। तो अब तक भाई देखो 0 रन और 2 विकेट, ऊपर से 5 गेंदे हो चुकी है, अब तक खाता भी नहीं खुला है, 2 विकेट जा चुकी है। और बात करें ना, मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग खेल रहा था और यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा अच्छे बैट्समैन थे नहीं, तो मैं सही में यार काफ़ी टेंशन में था कि अब यहाँ पे कैसे बाहर निकला जाए। पर फाइनली मुझे एक 117 पे अच्छा शॉट कनेक्शन मिला और एक छक्का गया। अब दूसरा ओवर भी यहाँ पे स्पिनर कर रहा है, फिर से मैंने 117 खेला, यहाँ पे फील्डर नहीं है तो एक और चौका मिलेगा, हम 10 रन पे पहुँचेंगे। अब नेक्स्ट बॉल पे भाई गेसिंग हो गई, दूसरा था और ये सीधा ही जाएगा 6 रन के लिए। अभी यहाँ पे मैंने 487 खेला, मुझे लगा फिर से शायद दूसरा है, बट कैरम डाल दिया। तो अब एक और विकेट अभी जाएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे मैं भाई जा रहा था कैरम के लिए और इसने अब दूसरा डाला है। अब अर्ली हो गया और विकेट चली गई। तो मतलब यार सही में बहुत ही कंफ्यूजिंग बॉलिंग कर दी ओपनर ने शुरुआत में। तो अब एक ओवर 4 गेंद 16 रन पे 3 विकेट थे और फाइनली मुझे यहाँ पे एक और अच्छा कनेक्शन देखने को मिला 156 पे। अभी हम 22 पे पहुँचे और इस गेंद के साथ हम पहुँचेंगे 26 पे, काफ़ी अच्छा कनेक्शन 4 रन के लिए जाएगा। तो 2 ओवर में हमने बनाया टोटल 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और अभी यहाँ पे बारी है स्वैमसन की, वाइड जाएगा, कोई मतलब इरादा नहीं था मेरा वहाँ पे खेलने का। और एक ओवर वाइड, मतलब ओपोनेंट जो है वो काफ़ी जल्दबाजी में है विकेट लेने की, इस तरह से बॉलिंग कर रहा है इसको लग रहा है कि मैं कन्फ्यूज़ होगा। चलो यहाँ पे 6 मिलेगा तो हम पहुँचेंगे 34 पे। अब गूगली डाला है भाई ने और गूगली पे यहाँ पे मिस टाइम हुआ नहीं है, मतलब एकदम परफेक्टली टाइम करा है और 6 रन के लिए भेजा है गेंद को। और एक और बार बढ़िया हिट, यहाँ पे वैसे 1 ही रन मिलेगा, नहीं ले लेते हैं 2 रन, मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। तो 2.5 ओवर के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं 42 पे। एक टाइम ऐसा था 5 गेंदों में 0 रन थे और अभी देखो 2 ओवर और 4 गेंद में हम 48 पे पहुंच चुके हैं। तो मतलब देखा जाए ना तो ये लास्ट के 2 ओवर के ही रन है, देखो 54 रन लास्ट के 2 ओवर के रन है। काफ़ी तेज तर्रार तरीके से खेला लास्ट की 12 गेंदों में। अभी यहाँ पे देखा जाए ना तो हमने यहाँ पे एक ज़बरदस्त कमबैक कर लिया है, 3 ओवर में हम 55 रन पे पहुंच चुके हैं और अभी तक विकेट सिर्फ 3 ही गए हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और थोड़ा गलत हो गया, हल्का सा अर्ली हुआ और सीधा फील्डर के हाथ में, 55 रन पे 4 विकेट गवा चुके हैं हम। मिथुन भी आउट, 3 ओवर 1 गेंद 55 रन 4 विकेट। अब भी यहाँ पे क्लेन वेल्ट का आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी अपने पास ज़्यादा टाइमिंग वाले बैट्समैन बचे नहीं हैं। चलो फाइनली एक और अच्छा शॉट, 308 खेला और काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हुआ है, 6 रन के लिए जाएगा। अरे यार पहले बॉल पे छक्का मारा, दूसरे ही बॉल पे कैच, मिस टाइम हो गया, थोड़ा अर्ली हो गया, क्लेन वेल्ट आउट होगा आते ही। अब 3.5 ओवर में 61 रन। अभी अगला बैट्समैन है टी वाइल, वाइल है विली है क्या है, विली है। अब यहाँ पे 2 रन मिल सकते हैं, 63 पे पहुँचेंगे, 3 ओवर 4 गेंद 63 रन 5 विकेट। ये पेटिनसन का बॉल भाई थोड़ा स्लो आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, कट्टर बॉल डाल दिया, चकमा दे दिया फिर से, मुझे लगा शायद स्विंग करेंगे, अरे फिर से कट्टर बॉल भाई, क्या शानदार बॉलिंग, बहुत बढ़िया, मुझे लगा नहीं था कि कटर आएगा। चलो कोई ना, जो हुआ वो हुआ, अभी आखिरी ओवर बचा है तो थोड़ा ध्यान से खेल लेते हैं, नहीं तो भाई रन्स कम पड़ जाएंगे। प्लेयर अच्छा है और
रन्स कम पड़े ऐसा होना नहीं चाहिए। लो भाई हो गया घाटा फिर से, एक और विकेट चली गई, चार ओवर दो गेंद 65 रन पे छठा विकेट। इस बार एस्टन टर्नर आउट। एटलीस्ट यार ये ब्रोंज प्लेयर्स अच्छा खेल के जा रहे थे, अब चलो 63 की टाइमिंग के साथ खेलना पड़ेगा। अरे वाह काम बन गया, भले ही एज लग गई है पर दो रन तो मिलेंगे। बच गया भाई, आउट हो सकता था उधर। चलो ये अच्छा शॉट, अरे वाह ऊपर से, अरे गैप में नहीं गया। चलो कोई ना, दो रन तो ले ले। चार ओवर चार गेंद 69 रन, और ये बहुत ही कमाल का शॉट, ये एकदम कमाल का शॉट। ऐसे शॉट चाहिए भाई, ऐसे शॉट चाहिए, ऐसे शॉट मिलेंगे ना तब भी कुछ होगा। अबे यार एंड टाइम पे भाई कुछ हो नहीं पाया ठीक से। पांच ओवर में 76 रन और टारगेट डिफेंड करना है, ऊपर से पीच है वानखेड़े, मतलब मुश्किल है। चलो चौका चौके से शुरुआत करेंगे ओपोनेंट भी, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत कह सकते हैं इसको। दूसरा बॉल अब, अरे वाह यार क्या बात है, कमाल है यार, 276 खेला, मतलब गेसिंग काफ़ी अच्छी करी है ओपोनेंट ने। चलो एटलीस्ट यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनेगा। अरे वाह 308 खेल दिया, तो जो है अपने फील्डर ने गुलाटी मारी है ना, इस वजह से मेरे ख्याल से तीन रन तो ओपोनेंट ले ही लेगा। मेहरबानी कर रहा है भाई अपने फील्डर जो है वो सामने वाले के ऊपर। वैसे थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा, टारगेट इतना भी बड़ा नहीं है कि चेज ना हो पाए। चलो बढ़िया गेंदबाजी, पहली ओवर में सिर्फ 11 रन, अब दूसरा ओवर कर रहे हैं हम राधा कृष्ण के साथ। तो वैसे अगर देखा जाए ना, शुरुआत अपनी बहुत ख़राब थी बैटिंग के टाइम भी, अब बॉलिंग के टाइम तो अपना कामकाज अच्छा रहा है, क्योंकि बीच के ओवर्स में हमने बहुत तोड़ फाड़ वाली बैटिंग करी थी ना, जिस वजह से हमने टारगेट बहुत बढ़िया सेट करा है, और अभी ये जो टारगेट सेट है उसको अब चेज करना है। तो भाई यहाँ से ओपोनेंट को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, इस तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो मेरे ख्याल से ना भाई ना हो ही नहीं पाएगा चेज। तो वैसे अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हार जीत तो होती रहती है। और बाकी यहाँ पे जो है वो एक और चौका मारेंगे ओपोनेंट, शॉट कौन सा था 226 या 175, क्योंकि दिखने में तो 175 ब्रूट वाला शॉट लग रहा है, शायद वही है। अभी यहाँ पे कैरम बोल डाला हमने और 276 खेला है भाई ने, तो लगेगा नहीं इस बार क्योंकि नीचे से सरकेगा। अब स्ट्रेट बॉल करते हैं, पहला बॉल बहरेंडोफ का। वैसे तो अभी देखा जाए ना तो दो ओवर में ओपोनेंट ने सिर्फ 23 रन बनाए हैं, जो कि ठीक ठाक स्कोर है। वैसे टारगेट हमने अच्छा खासा सेट करा है इसके बैटिंग के हिसाब से। क्राउन वन ओपोनेंट है, बट अगर बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करेंगे ना तो एक बढ़िया सा विन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे बहरेंडोफ है अपना बॉलर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। अगर आपके पास बहरेंडोफ आता है तो स्किल देख के उसको निकाल ना देना, क्योंकि बहरेंडोफ एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। इसका स्किल के हिसाब से कुछ नहीं है, बट इसका जो गेंद है ना वो शो होने में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से बहरेंडोफ बहुत ही खास है। तो अभी एक और विकेट हमें मिल चुका है, बैन कटिंग आउट। चलो दो ओवर पाँच गेंद 28 रन दो विकेट। अब नेक्स्ट जो बैट्समैन है यह है जे फिलिप। अब ओवर का आखिरी गेंद, अच्छा खेला, दो रन जाएंगे हालांकि, तो तीन ओवर में ओपोनेंट 30 रन पे पहुंचेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, अपने लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि अब दो ओवर में इनको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पावरफुल बैटिंग शो देखने को मिले अगर तो बात हो सकती है ओपोनेंट की, बट वो हम आसानी से होने नहीं देने वाले। भले ही अपना रैंक कम है बट हम प्लेयर की क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो अपन भाई बिल्कुल भी कम नहीं है। भले ही ओपोनेंट क्राउन वन है, हम डायमंड फाइव है, बट ये नहीं है कि भाई इजीली ओपोनेंट जीत जाएगा या फिर हम जो है वो बहुत मुश्किल से जीतेंगे, ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्राउन वन की धजिया उड़ जाती है अपने सामने। तो वैसे यहाँ पे एक और सिक्स ओपोनेंट मारेगा, बढ़िया यहाँ पे गेसिंग करते हुए, अच्छा खासा गेस कर लिया था उस बार फ्लिपर बॉल को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेग स्पिन कराया। एक और बार लेग स्पिन करेंगे और एक और बार भाई फ्लिपर के लिए गए और पॉपट हो गया इसका। अब यहाँ पे आखिरी ओवर करेगा क्लेन वेल्ट।
आखिरी ओवर 37 रन चाहिए ओपोनेंट को। अगर 6 के 6 भी छक्के मारते हैं तो 36 रन बनेंगे और ड्रॉ होगा। बट पहले गेंद पे उसे मानना पड़ेगा काफ़ी अच्छा शॉट खेला हार्दिक पंड्या वाला। अब यहाँ पे भाई टाइमिंग मिस हो चुका है तो अब अपना टेंशन गया। भले ही फालतू बॉलर है बट इतने रन तो नहीं देगा भाई, कुछ भी हो जाए इतने रन तो नहीं देगा है, काफ़ी अच्छा बॉलर है वैसे। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉल, आउट स्विंगर कराए कम स्पीड रख के और ये आ चुका है कैच। 49 पे तीसरा विकेट आ चुका है 4 ओवर 3 गेंद। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम काज हो गया अपने लिए। अब रुथरफोर्ड के सामने क्या होगा। ओ भाई साहब यार झकास शॉट खेल दिया, सामने दो दो फील्डर रखे फिर भी यार मानना पड़ेगा भाई रिस्क लेने में, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे गेंद जो है वो 1 रन के लिए जाएगा, 2 रन तो यहाँ पे ले नहीं सकते। 56 पे पहुँचे ये 4 ओवर 5 गेंद, 56 रन 3 विकेट। अब इस बॉल पे क्या होगा, बढ़िया हिट बट ज़्यादा रन ले नहीं पाएंगे, 2 ही रन होगा यहाँ पे। तो 5 ओवर में ये भाई 58 पे पहुँचे और हम 18 रन से जीते हैं, 18 रन से, काफ़ी बड़ा विन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।